शिवानी, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। धन्यवाद सर। क्या सोचा था आपने, पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल करोगी? दरअसल मैंने मार्क्स का तो सोचा था कि इतने मार्क्स आएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि हरियाणा टॉप हो जाएगा इतनी जल्दी, इतनी आसानी से लगा नहीं था। अच्छा जी सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी और रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 7 से 8 घंटे हमेशा डेली रूटीन में दिया करती थी, और संडे या फिर कोई वेकेशन हुआ करती थी तो उसमें स्पेशली ज़्यादा टाइम दिया करती थी। कितने सब्जेक्टों में कितने नंबर है आपके? एक्चुअली 5 सब्जेक्ट से मेरे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश में मेरी मार्क्स है 100, हिस्ट्री में भी 100 है, मैथ्स में 99 है, हिंदी में 98 है, एंड पॉलिटिकल साइंस में 97 है। कितना मुश्किल था ये मुकाम हासिल करना? एक्चुअली सर, वी कैन से कि कुछ भी चीज़ कठिन होती है, बस हमें उसमें तन्यता से काम करना चाहिए और हमें लगातार होना चाहिए। तो कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी मुश्किल होता है, हम आसानी से कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे आप? एक्चुअली लिसनिंग, म्यूज़िक इज़ माई हॉबी, सो मैं म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफर किया करती थी। तो घर वालों का सहयोग कैसा रहा इस बीच? एक्चुअली दे सपोर्ट मी इमोशनली, वो कभी भी ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे, जैसे नॉर्मली गर्ल्स की लाइफ होती है डेली चॉर्स में बिजी रखें, उन्होंने मुझे फुल टाइम दिया है, मुझे इमोशनली सपोर्ट किया है और हर तरीके से उन्हें सपोर्ट किया है जिससे मैं अनस्टॉपेबल रह सकूँ। आगे भविष्य में क्या करना चाहती हूँ? मैं IAS बनना चाहती हूँ। अच्छा जी। और दूसरे बच्चों को, पढ़ने वाले छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरीके से? एक्चुअली वी मस्ट मेक अ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हमें, और उसे हमें पूरी तन्यता के साथ फॉलो करना चाहिए, और हमें फ्लक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए, मतलब डिस्टर्बेंसेस कुछ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जहाँ पर भी हमारी स्ट्रेटजी या फिर जो हमारे रूल्स बनाए हैं वो किसी भी तरह से फॉलो नहीं हो पाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। थैंक यू।